हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 11 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। ये दिन महिलाओं और गर्ल की रुचि व उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है 11 फरवरी को। और इसकी थीम थी COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को 50वें रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेबल्स को। ये जो फिल्म है पेबल्स, ये तमिल भाषा में है। इस फिल्म को बनाया है विनोद राज ने। और रोटरडेम ये है नीदरलैंड में। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। देखिए जो विंटर में जो राजधानी रहती है जम्मू रहती है, और श्रीनगर समर कैपिटल है। ठीक है, ट्रिक क्या है, देखो जम्मू जम्मू मतलब जो सर्दियों में जम जाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू में है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी बने थे पंकज मित्तल। और देखिए अभी हेमिस नेशनल पार्क, पहले जो कि जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन अब यह लद्दाख में आता है। बुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में है, और डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अब बात हो रही है नेपाल की, तो देखिए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राजधानी है काठमांडू, और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितिन चोपड़ा। हेनरी मोनिज, ये कौन है हेनरी मोनिज? अभी फेसबुक ने मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया था जेनेट एलन। जेनेट एलन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हुई हैं। और लॉर्ड ऑस्टिन, लॉर्ड ऑस्टिन ये अमेरिका के रक्षा मंत्री बने हैं। इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी, और इंडिगो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के एन भंडारी। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। अनुपम खेर ने अभी एक पुस्तक लिखी थी टुडे इज योर बेस्ट डे। माधुरी भंडारी ने अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने COVID-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत ने अभी 2 कुत्तों को ऐसी ट्रेनिंग दी है जो कि पसीना और यूरिन को सूंघकर COVID-19 का पता लगा सकते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले COVID-19 का टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। भारत में COVID-19 टीके की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पाद की नई श्रृंखला लॉन्च की है? उसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब देखिए पैक जैविक उत्पाद क्या होते हैं? तो देखिए ये होते हैं काले चावल का आटा, काले चावल के गुच्छे, जैविक हल्दी और सूखी कीवी। ये सब क्या है, पैक जैविक उत्पाद हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे, इम्फाल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लालंदर सतूठ बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अब बात हो रही है देखिए अफगानिस्तान की, तो देखिए अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी हैं।
राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। और इससे पहले दो कौन हैं, जहीर खान और कपिल देव। तो देखिए 11 फरवरी के हमने सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।